मॉड्यूल वन सेवेंटी सिक्सिप ना एक डिवेलपमेंट पर बात की डायमेंशन पे बात की नॉट टू नॉट नेटवर्किंग के ऊपर बात की हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल टू इजमायत का कॉन्सेप्ट कैसे होगा नेटवर्क डिवेलपमेंट कैसे होगा आपने इंडिविजुअल सेंस गेन की आपने फाइनेंशियल ऑपरेशनल मैकनिस्टिक और ये सारी अप्रोचेस देखनी ना हाउ कैन वी बिकम द क्रिएट बिजनेस दैट सॉल्व इनवाइ प्रॉब्लम और ऑपरेट सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट इसका एक्सोसिस्टम होता है एंटरप्रन्य होता है एक आदमी एक ऐसा बिजनेस करे जिसकी वजह से पूरा एक्सिस्टम बेहतर हो जाए एक आदमी फॉर uh, एग्जाम्पल से रेलिवेंट कोई बिजनेस शुरू करता है एक आदमी एक आपकी जो स्मोक है इस स्मोक को खत्म करने के लिए तकरीबन पचास हजार में कुछ ऐसे पंखे बना देता है जो कि आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं हवा को साफ करते हैं और फिर ये लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में लगा दिए जाएं तो ये पूरा का पूरा सफाई का एक सिस्टम बन जाएगा इसके अंदर एक प्राइस मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी प्रॉफिट तो वो देगी देगी लेकिन साथ में सोसाइटी का भला हो रहा है सिस्टम शुरू कर दिया जाए इंडस्ट्री जो टैक्स पे करती है उसका हाफ मार्जिन जो है वो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए लगा दिया जाए देन इज राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑफन प्ले अ की रोल हेयर विदोपर मेकिंग यूज ऑफ द न्यू टूल अवेलेबल टू इंप्लीमेंट दियर विजन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर From कटिंग डाउन ऑन फूड वेस्ट अब आप यहाँ देखें यहाँ फूड वेस्ट के ऊपर एक बिजनेस है वो भी आप कमाल कर देखिए आपकी तमाम फूड हैं, आपने सारे वेस्ट को जमा किया वेस्ट को जमा करके आपने साफ सुथरा खाना अलग कर लिया उसके लिए मुख्तल जगहों के ऊपर आपने trays रख दें और जो आपकी वो सोसाइटी जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकती तो उस रेस्टोरेंट का अच्छा खाना जो अच्छे से बच जाता है उसको अच्छे से अगर उसको ट्रे पर रख दिया जाए लोग वहां से ले लें सो इज एन इट अ गुड आइडिया इज एन इट द हेल्प फॉर द नेशन इज इन हेल्प ऑफ दीपल इज इन ह्यूमैनिटी सो यहाँ की इस आइडिया को देखें एंड देन मूविंग ऑन टू द डिफरेंट सिस्टम इज रिन्यूएबल एनर्जी आपकी बायोमास बन रहा है सफाई की सफाई एनवायरमेंटल क्लीनिनेस इज द सेकंड पार्ट देन इससे रेलेवेंट आपके जितने बिजनेसेस हैं जब आप करेंगे तो यू बिकम द ऐप को और कोशिश कीजिए कि वो सेगमेंट लीजिए जिससे एक वेस्ट से कई चीजें बनती हैं एक बुरादे से अगर टिश्यू बन सकता है तो कितने ही ऐसे वेस्ट हैं जिसकी वजह से हम एकोसिस्टम के अंदर एकोप्रनियोरशिप डेवलप कर सकते हैं टेकिंग द एग्जांपल हियर द युगेंडा बेस्ड स्टार्टअप विजिविजन कैरीज आउट आई टेस्ट ऑफ द किड्स फॉर द जस्ट वन यूएस डॉलर विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्टफोन ऐप एन ईजी पोर्टेबल डिवाइस

वाइटल्स ले लीजिए आपकी प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रेशरी ये तीन किस्म की केयर्स होती हैं आप हेल्थ के अंदर आप इसको करना चाहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर शुगर और आपका बुखार टेस्ट हो जाए तो आपके वाइटल्स पूरे हो जाते हैं जब आपकी वाइटल्स पूरे हो जाएं तो ये अगर आप हर शॉप के अंदर एक एक बॉक्स रख दें और आते जाते के करीब के, के आदमी और गरीब लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मुफ्त में उनके वाइटल्स मिल जाएं उससे रिलेवेंट उनकी मेडिसिन जो है वो ऐप के ऊपर आ जाए और ऐप के ऊपर आपको मेडिसिन का पता चल जाए कि कॉल अ डॉक्टर कर लीजिए टू और अगर आप हेल्पलाइन बेस बना दीजिए कि इससे रेलिवेंट ये वाइटल्स आ रहे हैं तो ये दवाई होगी और अगर उसके बाद अगर सेकेंडरी लेवल पर आ जाए तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो टेस्ट भी सजेस्ट कर दिए जाएं और आप उसको जाकर दिखा लें और फिर आपकी जो है वो मेडिकेशन इस तरीके से प्रिसाइसली आपको मिल जाए तो देट कुड बी वन आई मीन मीनोरियल आइडिया Then, working with the small farmer around the world, conflict food selling uh, sells fairly traded hand picked grains and uh, spices to help strengthen economic and create uh, opportunity for the local communities in the crisis hit regions. So, what is crisis, grains, spices. And that is not philanthropy. गेनिंग योर प्रॉफिट यू आर गेटिंग योर प्रॉफिट यू आर हैविंग योर प्रॉफिट लेकिन उसके साथ साथ आप जो है कोई ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जैसे इनडायरेक्टली हेल्थ आपकी एजुकेशन आपने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया आपने कमाना शुरू कर दिया आपने लोगों को खिलाना शुरू कर दिया आपने कमाना शुरू कर दिया सो so अगर इस तरह का आइडिया आपके जहनों में है तो यू विल बिकाम थैंक यू वेरी मच